जो है ये हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं फराज अली, उन्होंने डायरेक्ट की है और फराज और मेरी दोस्ती बहुत पहले से है। फिल्म रामलीला में मिस्टर भंसाली को वो एज एन एसोसिएट डायरेक्टर असिस्ट कर रहे थे और मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, तो वहाँ से हमारी दोस्ती हुई। उसके साथ साथ जब इस फरवरी में वैलेंटाइन डे पे हमने एक साथ काम भी किया, उन्होंने मेरी म्यूज़िक वीडियो को डायरेक्ट किया और अब जो है वो मखमल बनाए हैं, इसमें जैकी श्रॉफ हैं और बहुत मेहनत की है उन्होंने फिल्म पे। और जैकी सर तो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत बड़े स्टार हैं और इस फिल्म में उन्होंने बहुत ही एक अलग किस्म का रोल किया है। हम जैकी दादा को एकदम भिड़ू भिड़ू वाले अवतार में जानते हैं, बट इसमें उन्होंने बहुत ही अलग किरदार निभाया है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट। जो है ये शॉर्ट फिल्म फॉर्मेट है, इसकी ड्यूरेशन कम होती है आपकी फीचर लेंथ फिल्म से। सो आजकल शॉर्ट फिल्म फॉर्मेट, क्योंकि डिजिटल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है फॉर्मेट, तो हम फ़ोन पे भी इंजॉय कर रहे हैं, इंटरनेट पे भी इंजॉय कर रहे हैं। सो वी ऑल वी हैव पुट इन आवर एफर्ट्स टू मेक अ शॉर्ट फिल्म एंड आई रियली होप वी लाइक इट। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में 2 से लेकर 3 घंटे की पिक्चरें बनती हैं और उसमें आदमी स्टोरी में घुसता है, काफ़ी चीज़ें टाइम लगाते लोग, लेकिन एक छोटी सी कहानी भी एक कहानी होती है और उस 10-15 मिनट के अंदर कैसे ऑडियंस को एक कहानी बताना, उनको उस कहानी के अंदर खींचना है और उनको इमोशनली अफेक्ट करना है, वो काफ़ी मुश्किल है मेरे ख्याल से। और फराज और अब्बास ने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया। ये इनकी तीसरी शॉर्ट फिल्म है और बेहतर होती जा रही है ब्रदर, अच्छा लग रहा है। फिल्म के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, यही बोलूंगा कि अपना डायरेक्टर बहुत भारी है, फराज अली, बहुत सिंपल काम करा है, मैं बहुत इफेक्टिव है। अभी फिल्म देख के बाहर अभी आया हूँ और बहुत प्यारा है, बहुत दिल को लगा, खड़ा हुआ इधर, बहुत ऊंचा कलाकार है और शांत है, मगर वही बहुत खूबसूरत फिल्म बनाए और ये मेरी अच्छी बनी है पिक्चर में। अभी बाकी ये है कि पिक्चर बाबा ने बनाया, फराज अली ने, और शाम मैं जानता भी नहीं था इनको, शानू जी ने मुझे कहा कि ये फिल्म है 17 मिनट का है और एक शॉर्ट फिल्म में करोगे क्या, मैं इनको मिला और इनका एक बार इन्होंने कहा कि ये लाइन है और मुझे बहुत दिल को अच्छा लगा, बहुत इमोशनल और बहुत बहुत सेंसिटिव और बहुत प्यारी पिक्चर है। अपनी तो कोई लाल नहीं करता, मगर अपन मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आप ही देख लो। आई रियली लाइक इट एंड आई थिंक माई फराज अली इज़ समवन हु आई एम वेटिंग कि इंशाल्लाह और मेरे को आगे बड़ी पिक्चर में 2 घंटे की पिक्चर में भी ले। 17 मिनट में तो बहुत कुछ बोल दिया भाई ने, अब 2 घंटे में तो मतलब बहुत और ऊँचा खेलेगा, ऐसे ही ऊँचा है बाबा। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि एक गागर में सागर भरना जो है बहुत मुश्किल काम है, एक छोटे से पैमाने में बहुत बड़ा जाम भर देना मुश्किल काम है जो इन दोनों ने कर दिखाया है। और मैंने जैकी श्रॉफ अच्छे मित्र हैं, बड़े सालों से मैं जानता हूँ, काम भी बहुत किया है, लेकिन मेरे दिल पे उनकी परफॉर्मेंस ने एक ऐसा असर छोड़ा है जो मैं अपने साथ लेके जाऊँगा और कुछ दिन तक रहेगा मेरे दिल में उनका असर, क्योंकि इतना जो एक बच्चे का इमोशन पूरी फिल्म में है, कपड़े से रिलेट किया है मखमल को रिलेट किया है दिल से, दिल को रिलेट किया है बच्ची से, तो मखमल जो है वो दिल भी मखमल है, बच्चा भी मखमल है, मोहब्बत भी मखमल है, प्यार भी मखमल है, तो पूरे मखमल जो है वो फिल्म का नाम है, लेकिन दरअसल मखमल जो है वो मखमली दिल है, मखमली मोहब्बत होती है और ख़ासकर एक बाप बच्ची की मोहब्बत, तो उसको एक 15 मिनट के अंदर कैसे एक समा के पिरो के एक धागे में दिखाना एक बहुत मुश्किल काम है जो इन लोगों ने कर दिखाया। और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि ये फिल्म अच्छी जहाँ जहाँ जाए वो अपना नाम बनाए। फॉर मोर न्यूज एंड गॉसिप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बॉलीवुड हेल्पलाइन।